सीबी चौपर जर्सी नंबर एक किराएदार, सॉरी एक किराएदार रिटर्न, दूसरे खिलाड़ी यहां पर पहले रेड करने के लिए जयतापुर की ओर से, और रेड खत्म होने के बाद राइडर के हाथ में जो कुछ है, कड़ा कर दो, कड़ा कर भाव, कड़ा कर रहे दादा, हेलो सागर भाव नमस्कार, ब्रह्मा स्पोर्ट क्लब आरगाव नासिक टीम के कोच सागर भाऊ यांच्याकडून आलेल्या सर्व संघांचं मनापासून अभिनंदन, आणि कालच आमचे सागर भाऊचे खेळाडू सांगताय आकाश शिंदे पुण्याहून बेंगळुरूसाठी रवाना झालेले आहेत आणि त्यांच्या मॅचेस कधी चालू होणार आहेत सागर भाऊ? 22 तारखेला पहिली मॅच मला वाटतं बेंगळुरू येथे आकाश शिंदेची होणार आहे, कोणासोबत आहे सागर भाऊ? अजून कन्फर्म नाही आहे ना, बरं ठीक आहे, आमच्या संघांसाठी काही शुभेच्छा मी माईक जवळ पकडतो, सांगा कोणत्या मॅचेस चालू आहेत तुमच्या नाशिक जिल्ह्यात? बागलाण तालुक्यामध्ये शिवरे गावामध्ये, शिवरे गावामध्ये सर्व खेळाडू सर्व संघांना शुभेच्छा ब्रह्मा स्पोर्ट क्लब कडून. ओके, ए पिण्या तू भी काढणार ती, तेरी फीस काढा तू भी काढणार, बरोबर एकदम बरोबर डायरेक्ट दिदा लाल भाऊ, सात नंबर जैसे गया अर्जुन सागर की आवाज से रेड करते हुए, और इसी बीच एम डी रेड और अगले रेड करेंगे जर्सी नंबर एक में वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई पतले खिलाड़ी है लेकिन दमदार रेड के लिए जाने जाते हैं जैतापुर के लिए, जैतापुर वर्सेस अर्जुन सागर के बीच चलता हुआ यह सेकंड राउंड का महामुकाबला जिसका आप आंखों देखा हाल बीबी वरम के जवान से सुन पा रहे हो. पूरा एंट्री 37 नंबर जैसे के राइडर यहां पर रेड करते हुए अर्जुन सागर की ओर से, चाय वाले दादा थोड़ा बहुत घर से नहा दो के फ्रेश हो जाओ, आप भी पूरी नाइट आपने यहां पे निकाली है. फिलहाल पांच खिलाड़ी डिफेंस के लिए बिल्कुल तैयार जैतापुर के पास, और 37 नंबर जर्सी का राइडर मेरे ख्याल से यहां पे एंट्री. अगले रेड करेंगे भूरिया, भूरिया 9 नंबर की जर्सी में यहां पर जैतापुर के आंसर रेड करते हुए लड़ते बैक किक का छोटा सा हमला करना चाहते थे लेकिन इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बहुत ही अच्छा और बढ़िया मुकाबला यहां पर चलता हुआ. फिलहाल और थर्ड रेड की भूमिका में मंगेश को आमंत्रित किया है जर्सी नंबर 15 के राइडर, काफी दूर में जाकर के भूरिया के ऊपर हमला करना चाहते थे मंगेश, लेकिन देखना होगा मंगेश भी एक बढ़िया ऑलराउंडर उभरते हुए सितारे अर्जुन सागर के लिए, और इसी बीच थर्ड राउंड 1-2 जैतापुर, और इसी बीच जैतापुर की ओर से 7 नंबर जर्सी के राइडर यहां पर एक बार फिर से रेड करते हुए, क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, जो जीतेगा वो थर्ड राउंड में प्रवेश करेगा, जो हारेगा वो वापस अपने होम के लिए लौटेगा. अर्जुन सागर, अर्जुन सागर, और इसी बीच यहां पर मंगेश फिर से एक बार सिंगल पॉइंट्स बाय अर्जुन सागर. फिलहाल खिलाड़ी यहाँ पे जर्सी नंबर 1 के वीरेंद्र काफी डीप जाने की क्षमता रखते हुए वीरेंद्र, और यहाँ पर वीरेंद्र शानदार, दिनेश ने रास्ता बंद किया और दूसरे खिलाड़ी ने उसे बाहर खींच लिया, यही है करामत. फिलहाल सुपर टैकल ऑन और रेड की भूमिका में मंगेश 15 नंबर की जर्सी में, और क्या हो रहा है यहाँ पर, अंपायर का इशारा 3+ तो 5 पॉइंट्स बाय अर्जुन सागर, ऑल इन बाय जैतापुर. चला मधे या सर यांनी खूपच सुंदर रोड केलेली आहे या ठिकाणी मंगेश ने अर्जुन सागर संघासाठी. थर्ड राउंड, थर्ड राउंड 1 पॉइंट्स बाय अर्जुन सागर, गेलं का तारा बाद
टप गए फिलहाल सेवन नंबर जर्सी कराया यहाँ पे रेड करता हुआ बहुत ही हेडेड खिलाड़ी लंबे ऊंचे गट के खिलाड़ी छह खिलाड़ी डिफेंस के लिए बिल्कुल तैयार और यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे और ऐसा लगता है यहाँ से अब्बा खाली हाथ वापस लौटने की तैयारी और यहाँ पे देखना होगा जैतापुर की ओर से रेड कर रहे जैतापुर के खिलाड़ी और यहाँ पे और 10 नंबर जर्सी का ऑर्डर फिर से एक बार रेड करते हुए लास्ट 1 मिनट का खेल बाकी भव्य ग्रामीण कबड्डी स्पर्धा शेरे आज खेड़ा वर्सेस खड़े दीवार ये तो जाएगी यार बाबू फिलहाल मंगेश एक बार फिर से रेड करते हुए 5 के डिफेंस में और देखना होगा मंगेश ने एक बार बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर 5 पॉइंट की बड़ी रेड प्राप्त की थी यहां पे लेकिन आज इस रेड पर रंगे मंगेश कुछ कर पाएगा या नहीं मेरे ख्याल से मंगेश खाली हाथ वापस लौट चुका है और 9 नंबर जर्सी का राइडर भिड़िया फिर से एक बार रेड करते हुए और देखना होगा यहां पे इस मैच के बाद अगला मुकाबला और राइड आउट वन टू इस लास्ट रेड की घोषणा अगला मुकाबला खेला जाएगा बारीपाड़ा महाकाल वर्सेस चाबापाड़ा बारीकाल महापाड़ा बारीकाल बारीपाड़ा महाकाल बनाम चाबापाड़ा टाइम समअप फिलहाल यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है सेकंड आपके पहले रेड अर्जुन सागर द्वारा अर्जुन सागर वर्सेस जैतापुर के बीच मुकाबला यहाँ पर शुरू हो चुका है फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया और अच्छा मुकाबला चलता हुआ और यहाँ पर शानदार चलन सिंगल पॉइंट्स का अर्जुन सागर और यहाँ पे फिर से एक बार सिंगल पॉइंट बाय जैतापुर फिलहाल यहां पर अंपायर का इशारा रेड आउट 1 पॉइंट बाय जैतापुर सुबह के 9:15 बज चुके हैं तो यहां पर अभी फाइनल के लिए कम से कम मेरा अनुमान था 2 बजे के आसपास का लेकिन अभी थोड़ा सा बादल आसमान खराब होने के कारण फाइनल लगभग 4 बजे के आसपास जा सकती है फिलहाल 10 नंबर जर्सी का राइडर और यहां पर शानदार पकड़ तोला बाहर जाओ पहला फिलहाल यहां पर देखना होगा बढ़िया पॉइंट प्राप्त होता है टीम जैतापुर के लिए और 4 खिलाड़ी डिफेंस के लिए अभी भी तैयार सिंगल पॉइंट अर्जुन सागर फिलहाल मंगेश फिर से एक बार रेड करते हुए सिंगल पॉइंट बाय अर्जुन सागर फिलहाल यहां पे शानदार पकड़ बढ़िया सपोर्ट विजय द्वारा फिलहाल यहां पर वीरेंद्र फिर से एक बार रेड की एक नई उम्मीद के साथ रेड करते हुए तो फोन पे चले फुल डाले अड़ गए टाइम दे और 15 नंबर जैसे बराबर फिर से एक बार रेड करते हुए
पांच खिलाड़ी डिफेंस की भूमिका निभाते हुए टीम जैतापुर की ओर से बहुत ही अच्छा बढ़िया मुकाबला यहां पे चलता हुआ। फिलहाल यहां पे एंडिरेट चिरा सात नंबर जर्सी के राइडर जैतापुर की ओर से छह खिलाड़ी डिफेंस के लिए बिल्कुल तैयार। इस बार परसुट के लिए जाना चाहते थे 37 नंबर जर्सी के राइडर अर्जुन सागर की ओर से शानदार डिफेंस, बढ़िया बढ़िया शानदार पकड़ राइडर वन पॉइंट बाय जैतापुर। फिलहाल यहां पे इस बार बॉब लाइन को पार करने के बाद तुरंत वापस और इसी बीच यहां पर मंगेश रीड करते हुए अर्जुन सागर की ओर से हेलो Thank you.